हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं BECC 110 के इंपॉर्टेंट टॉपिक June 2024 एग्ज़ाम के लिए। तो इस बार मेरी कोशिश है कि मैं जो इग्नू से इको ऑनर्स कर रहे हैं बच्चे, उन लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ। तो फर्स्ट ब्लॉक जो है आपका, उसमें 3 यूनिट है जिसमें आपको ये 11 टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन जो है। तो इन 11 टॉपिक को जो है आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। कोशिश रहेगी कि इन टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ जो है वीडियो यूट्यूब पे जो है इनकी वीडियोस अपलोड कर सकूं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। तो आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर देना। ब्लॉक 2 की बात करते हैं, तो इसमें आपकी 3 यूनिट है। 3 यूनिट में आपको सिर्फ ये 8 जो टॉपिक्स हैं अच्छे से कर लेना, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट या बुक में मार्क कर लेना, जैसे भी आप लोग को है। ब्लॉक 3 की बात करें, इसमें आपकी 3 यूनिट है जिसमें आपको ये 9 टॉपिक करने हैं। कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, इन्हें अच्छे से कर लेना। इनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं एग्ज़ाम में, तो इनको अच्छे से कर लेना। फिर बात करें, ये एक बार देख लेना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। अब बात करें ब्लॉक 4 की, 10, 11, 12, इसमें 3 यूनिट हैं। ये तीनों आपको पूरी करनी है, यहाँ से कुछ स्किप नहीं कर सकते। यहाँ मल्टी कॉलिनियरिटी है, हेटरोसिडासिटी है और ऑटो कोरिलेशन है, जो ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है एग्ज़ाम में। तो तीनों यूनिट स्किप नहीं कर, मतलब कुछ भी टॉपिक यहाँ से स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ब्लॉक 4 आपको पूरा करना है, मतलब ये तीनों यूनिट कम्प्लीट करनी है। बात करें ब्लॉक 5 की, तो यहाँ से आपको ये 4 टॉपिक कवर करने हैं जिसमें आपकी 2 यूनिट हैं, तो इन्हें आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी मैं हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।